डीडीए द्वारा वर्ष 1981 में निकाली गई आवासीय योजना के तहत अब तक लगभग 15,000 लोगों को प्लॉट नहीं मिले हैं। 37 साल से यह लोग प्लॉट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने अपने इस ड्रॉ में जो दस्तावेज मिले थे उन्हें बेच दिया है। ऐसे लोग जिन्होंने इस दस्तावेज को खरीदा है वह डीडीए के पास प्लॉट का कब्जा मांगने पहुंच रहे हैं। डीडीए ने यह साफ कर दिया है कि इन लोगों को प्लॉट नहीं दिया जाएगा, प्लॉट केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनका ड्रॉ निकला था। अगर वह इस दस्तावेज को बेचते हैं तो खरीदने वाला इसका मालिक नहीं होगा। अमित झा, ईटीवी भारत।